Hello viewers, welcome to my channel. I am Meenakshi, your math teacher. Today we start question number 3 of exercise 2.5. Question number 1 and 2 we have already done in part 5. If you have any doubt, you can see. Link of part 5 is given in description box. So let's start with question number 3. Very easy questions हैं. Just हमने जैसे question number 1 and 2 में किया है, same वैसे ही करना है. Identities check करनी है, उनका use करके questions को solve करना है. Question number 3 है, factorize the following. Factors बनाने हैं उनके. Following using identities, को जो भी suitable identity उसमें use हो रही है, उस identity का use करके हमने इसके factors बनाने हैं. ये कि देखिए इसमें क्या गिवन है हमारे पास 9x² plus 6xy plus y² इसमें हमारे पास क्या है टू टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर गिवन है एक सिंपल टर्म्स गिवन है ठीक है आइडेंटिटीज हमने फिफ्थ पार्ट में की थी आप फिफ्थ पार्ट में आइडेंटिटीज देख सकते हो आइडेंटिटीज का यूज करके हमने चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है सो आइडेंटिटीज में अगर हम चेक करें हमारे पास इसमें जो गिवन है जो पार्ट 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें हमें क्या गिवन है 9x² प्लस 6y² देखिए अब हमारे पास स्क्वायर वाली ये 3 आइडेंटिटीज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड जो ये हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटीज है उसमें 3 टर्म्स स्क्वायर्स वाली हैं मींस ये वाली आइडेंटिटी तो उसमें यूज नहीं हो रही है ठीक है और जो थर्ड आइडेंटिटीज है उसको हमने 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है वो भी यहां यूज नहीं हो रही सो बची हमारे पास स्क्वायर वाली ये 2 आइडेंटिटीज मींस इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी इसमें यूज होगी हमारे पास क्या गिवन है x² प्लस y² मींस 2 टर्म स्क्वायर्स की हैं ठीक है लेकिन जो थर्ड टर्म है वो प्लस की है इसमें थर्ड टर्म प्लस की है इसमें थर्ड टर्म माइनस की है मींस हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी सो जो आइडेंटिटी यूज हो रही है हम उसको मेंशन करेंगे आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारे पास x + y² दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy अब हमारे पास जो क्वेश्चन में ये टर्म गिवन है ये हमें राइट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है हमने लिखना इसको किस फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी चेक करनी है और आइडेंटिटी में भी ये चेक करना है कि कौन सी राइट हैंड साइड गिवन है या लेफ्ट हैंड साइड उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे अब यहां पे क्या है फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2xy 2 के साथ इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन सो इन टर्म्स को भी पहले हम चेक करेंगे कि ये जो स्क्वायर हैं वो किस-किस का स्क्वायर्स हैं अब देखिए स्क्वायर के लिए वैसे तो सिंपली हमें पता है 9 3 का स्क्वायर है बट नहीं पता तो हम उसके ऐसे फैक्टर्स बना के देख सकते हैं 9 तो 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 का पेयर बन रहा है मींस वो किसका स्क्वायर है 3 का सो 9 की जगह 3 अब x स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे x तो 3x का स्क्वायर फर्स्ट हमने स्क्वायर वाली टर्म चेक कर ली नेक्स्ट हम चेक करेंगे सेकंड टर्म किसका स्क्वायर है y का स्क्वायर है सिंपली तो हम सिंपली उसको क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर अब थर्ड टर्म हमने लिखनी है प्लस 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म यहां फर्स्ट टर्म क्या है 3x एंड सेकंड टर्म क्या है y देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूं अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करें 3 का स्क्वायर 9 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं 3 2 जा 6xy 6xy आ जाएगा सिंपली हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिखा है इस फॉर्म में अब हमने इस फॉर्म में लिखना है इसको ये राइट हैंड साइड की फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है x + y का स्क्वायर मींस जिन टर्म्स का स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर लिखना है सारी टर्म प्लस में थी तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा अगर ये टर्म माइनस होती तो बीच में माइनस साइन आ जाता सो x + y का होल स्क्वायर x की जगह क्या है यहां पे 3x + y की जगह क्या है y तो क्या हो जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर बट हमने इसके क्या बनाने हैं फैक्टराइज करना है मींस उसके फैक्टर्स बनाने हैं तो पावर 2 है मींस इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए 3x + y एंड 3x + y सो आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्या किए हैं इसके फैक्टर नेक्स्ट सेकंड पार्ट नाउ सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 4y² - 4y +
वन। इसको भी हमने आइडेंटिटी का यूज करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसमें भी एक टर्म स्केयर की है, अब ये फोर यहाँ स्केयर नहीं है, मीन्स ये टर्म किसी का स्केयर नहीं है, बट वन को हम वन का स्केयर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये इस टर्म में हो जाएगा, बट इसमें जो है एक टर्म माइनस वाली है। तो माइनस वाली टर्म है तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, जो हमने माइनस वाली आइडेंटिटी थी, मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी। क्योंकि जो स्केयर है, टू टर्म्स का स्केयर हो गया, स्केयर के अलावा जो टर्म है वो अब इसमें माइनस की आ रही है। सो माइनस की है तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई होल स्केयर। सो आइडेंटिटी मैंशन करते हैं, आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है इसमें, एक्स माइनस वाई होल स्केयर डेट इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई। सो इसमें भी राइट हैंड साइड गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट तो हमने चेक करना है कि टू टर्म स्केयर, तो एक तो फोर वाई स्केयर है, फोर सिंपली हमें पता है टू का, अदरवाइज आप ऐसे ही फैक्टर्स बना के देख सकते हो, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू का पेयर बन रहा है, मीन्स फोर किसका स्केयर है, टू का, टू साथ में वाई स्केयर है तो टू वाई का स्केयर। अब फोर तो टू का है, बट वाई किसी का स्केयर नहीं होता, मीन्स ये टर्म हमारी स्केयर की नहीं है, बट हम वन को लिख सकते हैं प्लस वन का स्केयर। वैसे भी चीज़ ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी चाहे ये वाली आई हो चाहे ये वाली आइडेंटिटी हो, स्केयर वाली टर्म दोनों में प्लस की है, तो मीन्स प्लस वाली टर्म हमारा किसी ना किसी का स्केयर होगी। थर्ड टर्म को हमने क्या लिखना है, टू, और मल्टीप्लाई में इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म क्या है, टू वाई, एंड सेकेंड टर्म इज वन। सी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टू टू ज़ा फोर, फोर वाई आ जाएगा, वन का स्केयर करेंगे वन आ जाएगा, टू वाई का स्केयर करेंगे फोर वाई स्केयर आ जाएगा। सो ये राइट हैंड साइड की फॉर्म में, हमने इसको लेफ्ट साइड की फॉर्म में लिखना है, एक्स माइनस वाई का स्केयर, एक्स की जगह क्या है टू वाई, एंड वाई की जगह क्या है वन, 2y माइनस वन का होल स्केयर, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म माइनस की थी तो बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। अब इसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, पावर 2 है तो मीन्स इसको हम कितने टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 2y माइनस वन एंड 2y माइनस वन, स्केयर है तो हम इसी टर्म को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं, तो हमने उसको 2 टाइम लिखा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आइडेंटिटी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में गिवन है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय 100, मीन्स जो दोनों टर्म है वो किसी ना किसी का स्केयर है। इसमें हमारे पास थर्ड टर्म नहीं गिवन, तो मीन्स हम फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं करेंगे। अगर स्केयर के साथ हमें थर्ड टर्म भी गिवन होती है तो या तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ होती है या सेकेंड, बट इसमें स्केयर नहीं गिवन है, जस्ट हमें दोनों टर्म्स का स्केयर गिवन है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, थर्ड टर्म, थर्ड आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। वो क्या है, एक बार दोनों के बीच में प्लस का साइन लेना है, एक बार दोनों के बीच में माइनस का। सो आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है इसमें, थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सो अब ये जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है, उसको हमने राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म किसी ना किसी का स्केयर है, तो हमें पहले चेक करना है कि ये दोनों टर्म किसका स्केयर है, एक्स का स्केयर हो जाएगा ये माइनस। अब वाई का तो हमें पता है वो वाई का स्केयर है वाई, और नीचे 100 है, 100 को हम चेक कर लेते हैं, 252 पे फिर 25, 5 5 5 1 एक तो 2 का पेयर बना और एक 5 का, 2 5 10, तो 100 किसका स्केयर है 10 का, सो अपॉन में 10 का होल स्केयर, क्योंकि y स्केयर अपॉन में 100 था, तो हमने दोनों टर्म चेक करनी है कि y स्केयर तो y का होगा 100 10 का। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में होगी x स्केयर माइनस y स्केयर। अब इसको हमने राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है, x प्लस y x माइनस y, x की जगह क्या है x, y की जगह y बाय 10, अगेन x माइनस y, x की जगह तो x है, y की जगह y बाय 10। तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी इसके फैक्टर, डिग्री 2 है तो फैक्टर्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या करना है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। मीन्स इसमें भी हमने सेम चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, उस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। सो आइडेंटिटीज़ में अब हमारे पास 3 टर्म्स का स्केयर है, 3 टर्म्स स्केयर है, हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी थी, फिफ्थ आइडेंटिटी।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। अगर थ्री टर्म्स का स्क्वेयर है, पहले तो तीनों टर्म का क्या करना है, स्क्वेयर, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर प्लस थर्ड, देन क्या है टू। जब हम स्क्वेयर करते हैं तो साथ में टू एक्स वाई वाली टर्म आएगी। अब यहाँ थ्री टर्म्स हैं, एक बार टू के साथ एक्स वाई, फिर वाई जेड एंड देन जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर, थ्री टर्म्स का स्क्वेयर है, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। फर्स्ट तीनों का स्क्वेयर करना है, आफ्टर दैट टू टू की मल्टीप्लीकेशन। सो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, एक्स की वैल्यू तो कितनी है, एक्स ही है, y की जगह क्या है यहाँ पे 2y, सो जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने क्या पुट करना है 2y, एंड z की प्लेस पे हमने क्या यूज़ करना है 4z। सो इसका जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी यूज़ करके, फर्स्ट क्या है x का स्केयर, x की जगह हमने x ही पुट करना है, तो क्या हो जाएगा x स्केयर प्लस y स्केयर, y की जगह 2y है, 2y का स्केयर प्लस z स्केयर मीन्स 4z का स्केयर। आफ्टर दैट 2xy, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू इज 2y प्लस 2yz, y एंड z वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस 2zx, z एंड x वाली टर्म्स को क्या करना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 2y का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड y का y स्क्वायर, सो 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, 4 4 16 जेड स्क्वायर प्लस 2xy, इनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को नंबर से, 2 2 4 एंड एक्स वाई प्लस। सिमिलरली यहाँ पहले हम फर्स्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 4 16 16 yz प्लस 2 4 8 zx। सो हमने इसमें जस्ट यही चेक करना था कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ करनी है, कंपेयर करके हमने जस्ट उनकी वैल्यूज पुट करनी है। सो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको क्या लिखा है, एक्सपेंड करना था, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी हमने थ्री टर्म्स का स्क्वायर करना है, तो सेम यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। सो यही आइडेंटिटी आपने लिखनी है, मैं यहीं से इसको कंपेयर कर रही हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इस आइडेंटिटी से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, वैल्यू ऑफ x, x की जगह हमने क्या यूज़ करना है 2x, y की जगह अब यहाँ पे y नहीं है, डेट इज़ माइनस y, क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस था, y की जगह हमने क्या यूज़ करना है माइनस y, एंड z, z की जगह क्या है हमारा z ही यूज़ करना है। सो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, यही आइडेंटिटी यूज़ होगी, x का स्क्वेयर मीन्स 2x का स्क्वेयर प्लस y स्केयर, y की जगह क्या है माइनस y, माइनस y का स्केयर प्लस z स्केयर प्लस 2xy, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू इज 2x एंड y की माइनस y, सो इसको माइनस में लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस 2y एंड z प्लस 2z एंड x इज 2x। सिंपली इसको भी सॉल्व करना है, 2x का स्केयर करेंगे 4x स्केयर प्लस y का माइनस y का स्केयर करें तो भी y स्केयर ही आएगा, y स्केयर प्लस z स्केयर। अब हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x एंड y। यहाँ पे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, नंबर तो ओनली 2 है तो 2 आ जाएगा, वेरिएबल क्या है y एंड जेड, वाई जेड एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 के अलावा क्या है z एंड x, तो क्या आ जाएगा z x। तो सिंपल है वेरी क्वेश्चन, जस्ट आपने वैल्यूज कंपेयर करनी है और उनको यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी हमने थ्री टर्म्स का स्क्वायर करना है, तो सेम आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं और चेक कर लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z।
एक्स की जगह क्या है यहाँ, माइनस टू एक्स, तो जहाँ एक्स है वहाँ माइनस टू एक्स यूज़ करना है, वाई के प्लेस पे 3y एंड जेड के प्लेस पे हमने क्या यूज़ करना है, 2z। सो सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स इज माइनस टू एक्स, सो माइनस टू एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 2z का स्क्वायर, देन 2xy, 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x दैट इज माइनस 2x, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे एंड y की वैल्यू कितनी है 3y, फिर देन 2 x और y को मल्टीप्लाई कर लिया y एंड z को, 3y मल्टीप्लाई 2z, नेक्स्ट z और x वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो सिंपली अब इनका स्क्वायर करना है हमने। सो जब माइनस टू एक्स का स्क्वेयर करेंगे, माइनस टू का 4 एंड एक्स का एक्स स्क्वेयर, प्लस 9y स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर, अब इनको मल्टीप्लाई करना है पहले सिंपल नंबर्स को, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 जब 4 थ्री जा 12, 12xy, यहाँ पे भी इस नंबर्स को करते हैं, 2 थ्री जा 6, 6 थ्री जा 12, सो प्लस 12yz, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 z x, तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज करके हमने क्या किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में भी हमने 3 टर्म्स का स्क्वायर करना है, सेम आइडेंटिटीज यूज होगी, तो जस्ट आई एम कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, आपने सेम यही आइडेंटिटी लिखनी है, x की वैल्यू कितनी है 3a, y की वैल्यू कितनी है -7b एंड z की वैल्यू कितनी है -c, सो ये वैल्यूज पुट करके हमने इनको सॉल्व करना है। आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट क्या है एक्स का स्क्वायर मीन्स 3a² प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 7b² प्लस जेड स्क्वायर मीन्स -c का स्क्वायर, देन 2xy, yz एंड zx की वैल्यू प्लस 2x एंड y, उसके बाद हमने क्या लेना है y एंड z, y इज -7b एंड जेड इज -c, प्लस 2z एंड x वाली टर्म, जेड इज -c एंड x इज 3a, इसको भी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 9a² प्लस -7 का स्क्वेयर करेंगे 49, 49b² प्लस -c का स्क्वेयर करेंगे प्लस ही आएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 4, 6 6 7 42, 42ab, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14 एंड वेरिएबल क्या है b एंड c, नेक्स्ट यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड वेरिएबल्स आर c एंड a, तो सिंपल है बिल्कुल, आइडेंटिटी यूज करनी है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में भी सेम हमने टर्म्स का स्क्वेयर करना है, सेम आइडेंटिटी यूज होगी, सो बाय कंपेयरिंग आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज इक्वल टू -2x, वाई इज इक्वल टू 5y एंड जेड इज इक्वल टू -3z, तो सिंपल यही आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको सॉल्व करना है। सो जब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्या है x का स्क्वेयर -2x का स्क्वेयर, पहले तीनों टर्म का हमने स्क्वेयर लेना है, सेकेंड इज 5y, 5y का स्क्वेयर, थर्ड टर्म इज -3z, -3z का स्क्वेयर, उसके बाद हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई में पहले फर्स्ट टू टर्म लेनी है, -2x मल्टीप्लाई 5y, फिर फर्स्ट टू ले ली, फिर सेकेंड एंड थर्ड 5y मल्टीप्लाई -3z, आफ्टर डेट हमने क्या लेना है z एंड x लास्ट एंड फर्स्ट टर्म, अब इनको सॉल्व करके एक लिखेंगे, -2x का स्क्वेयर 4x² प्लस 25y² और यहाँ पे भी स्क्वेयर करेंगे 9z², अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एंड नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20xy, अब इसको जब करेंगे इसमें भी एक टर्म माइनस है, प्लस माइनस माइनस नंबर्स को करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एंड वेरिएबल्स आर वाई एंड जेड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म्स माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, जेड
एक्स। तो सिंपल है बिल्कुल, बस आइडेंटिटी यूज करनी है एंड सॉल्व करना है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, इसमें भी आइडेंटिटी सेम यूज होगी। जस्ट हेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/4a, वैल्यू ऑफ वाई -1/2b एंड जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो सिंपल इन्हीं वैल्यू का हमने सॉल्व करना है आइडेंटिटी में पुट करके। स्केयर है तो पहले तीनों टर्म्स का स्केयर करना है, आइडेंटिटी आप सेम वही यहाँ राइट करेंगे 1/4a का स्केयर। आपने आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में मेंशन करनी है, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखी है सो मैं हर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट आपने ये आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में मेंशन करनी है। सो फर्स्ट टर्म का स्केयर करेंगे पहले 1/4a का स्केयर। नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज -1/2b, सो प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1/2b का स्केयर, प्लस सी इज 1 का स्केयर। नेक्स्ट क्या है 2x एंड y, तो फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है 1/4a एंड -1/2b। नेक्स्ट हमने सेकेंड एंड थर्ड टर्म को करना है, सेकेंड इज -1/2b एंड थर्ड इज 1। फिर नेक्स्ट हमने लास्ट एंड फर्स्ट को 1 × 1/4a, सो जो कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें भी 2 से 2 और यहाँ 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4 का स्केयर 1/16a का ए स्केयर, 1/2 का स्केयर करेंगे 1/4b का बी स्केयर, प्लस 1 का स्केयर 1, यहाँ ही कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/4a एंड b, a b, यहाँ पे भी माइनस है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा है हमारे पास b, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1/2 एंड a। सो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फैक्टराइज करना है, इसमें भी हमने बाय यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन करनी। अब हमारे पास जो टर्म गिवन है उसमें हमारे पास 3 टर्म्स स्केयर किए हैं, और अभी जो हमने क्वेश्चन है वो 4 में आइडेंटिटी यूज़ की, उसमें हमने वही आइडेंटिटी यूज़ की है जिसमें हमने 3 टर्म का स्केयर करना था। तो सेम उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी आइडेंटिटी नंबर 5, x प्लस वाई प्लस जेड स्केयर, मीन्स जब हम 3 टर्म का स्केयर करते हैं तो हमारे पास 3 स्केयर वाली टर्म आती है। नेक्स्ट 3 टर्म हमने 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 टर्म का प्रोडक्ट, फिर लास्ट 2 टर्म का, फिर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। तो इस क्वेश्चंस में हमें जो एक स्टेटमेंट गिवन है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। तो आइडेंटिटी सेम है, जस्ट उसको हमारा मेथड जो है वो डिफरेंट यूज होगा। सो आइडेंटिटी पहले मैं मेंशन करती हूँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्केयर, डेट इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इसमें हमारे पास अब हमें राइट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स का स्केयर है, तो ये 3 टर्म्स हैं स्केयर वाली, तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि ये टर्म किस किस का स्केयर है। 4 किसका स्केयर होता है 2 का, x स्केयर किसका होगा x का, तो 4x स्केयर को क्या लिखेंगे 2x का स्केयर। नेक्स्ट है 9, 9 किसका स्केयर है 3 का, y स्केयर वो किसका हो जाएगा y का। देन 16, 16 किसका स्केयर है 4 का, z स्केयर है तो 4z स्केयर। फर्स्ट 3 टर्म स्केयर की होगी। नेक्स्ट टर्म में हमने 2 के साथ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 2x मल्टीप्लाई 3y, सॉरी यहाँ पे 12 है। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12xy आ जाएगा। फिर देन yz सेकंड एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई y इज 3y एंड z इज 4z, ये टर्म आ गई हमारे पास। माइनस था तो इसको हम माइनस का साइन ही रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है माइनस 16xz को हमने ब्रेक करके लिखना है, मीन्स x एंड z वाली टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, 2 मल्टीप्लाई
वैल्यू ऑफ एक्स इज टू एंड जेड वाली टर्म क्या है, फोर जेड। देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नाइन वाई स्क्वायर, सिक्सटीन जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12xy, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 24yz, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16xz। तो सिंपली हमने उनको ब्रेक करके लिखा है। अब ये हमारे पास हो गए राइट हैंड साइड की फॉर्म में, अब हमने इसको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। बट एक चीज़ देखनी है, यहाँ जो राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स किस में थी, प्लस में, बट इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड में टू टर्म्स हैं जो किस में आ रही हैं, माइनस में। तो मीन्स इनमें से कोई एक टर्म माइनस की होगी, तभी प्रोडक्ट में माइनस आ रहा है। तो वो टर्म हमने कैसे चेक करनी है, अब इन दोनों टर्म में माइनस का साइन आ रहा है और इन तीनों दोनों टर्म में हमारा जेड कॉमन है। देखिए यहाँ हमने वाई एंड जेड वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया, यहाँ जेड और एक्स वाली टर्म को, दोनों में जेड वाली टर्म कॉमन है, मीन्स जेड वाली टर्म माइनस की होगी, क्योंकि अगर इसमें x माइनस होता तो ये टर्म माइनस की आनी चाहिए थी, अगर y माइनस होता तो भी ये टर्म माइनस की आनी चाहिए थी, बट इसमें x एंड y यूज़ हो रहा है, बट ये टर्म प्लस की है, मीन्स x और y वाली टर्म तो प्लस ही में है। थर्ड टर्म हमारे पास क्या बची, 4z। तो सिंपली जब हमारे पास इस टाइप से है, हमने चेक करना है जिसके साथ माइनस साइन है उसमें कॉमन कौन सा है। जेड वाली टर्म दोनों में कॉमन है, मीन्स जब हम लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे, जेड वाली टर्म के साथ हमने क्या साइन यूज़ करना है, माइनस का। सो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखें तो जिन टर्म का स्केयर था वो टर्म है और उनका होल स्केयर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, 2x, जिसका स्केयर लिखा हमने, सेकेंड टर्म क्या थी, 3y, एंड थर्ड टर्म क्या है, 4z। बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन करूँ, 4z वाली टर्म किसकी होनी चाहिए, माइनस की, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस 4z का स्केयर। तो हमने चेक किया कि जब 4z है दोनों में कॉमन है, यहाँ हमने 4 लिया, तो यहाँ पे जब हम स्केयर लिखेंगे तब भी क्या लिखेंगे, माइनस 4z का स्केयर। हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, पावर 2 है तो हम उसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि हमारे पास सेकेंड पार्ट में भी 3 टर्म्स स्केयर्स की हैं, तो यही आइडेंटिटी से यूज करके हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं ये तीनों टर्म जो स्केयर वाली हैं वो किसका स्केयर है। तो 2 है, हम अगर इसके फैक्टर्स बनाते हैं 2 के, 2 वन ज़ा 2, कोई पेयर नहीं बन रहा, अगर पेयर नहीं बन रहा तो ये टर्म किस में रहेगी, रूट में ही रहेगी। तो 2 को हम क्या लिखेंगे, रूट 2 एक्स का स्केयर। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x2। वाई स्केयर है उसको सिंपल लिख सकते हैं, y का स्केयर। नेक्स्ट इज 8, 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ 2 का एक पेयर तो बन रहा है, बट एक 2 का पेयर नहीं बन रहा, जिसका पेयर बन रहा है उसको हम रूट के बाहर लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2√2z का स्केयर। नेक्स्ट इस टर्म को ब्रेक करके लिखना है हमने, इसमें एक्स एंड वाई वाली टर्म है, इसके बाद हम 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, तो एक तो 2 आएगा, एक्स एंड वाई आ रहा है, मीन्स एक्स एंड वाई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, √2x मल्टीप्लाई वाई, देन 2। अब इसमें y एंड z आ रहा है, मीन्स y और z वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, y मल्टीप्लाई 2√2z। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस 8 है, तो पहले तो 2 की फॉर्म में लिखेंगे, 2 z और x है, मीन्स z और x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, √2x और 2√2z, ये टर्म्स आ गई। अब ये हमारे पास ये किस फॉर्म में है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में, हमने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखनी है। अब इसमें भी देखो, ये 2 टर्म्स हैं जिसके साथ माइनस आ रहा है। अब इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, मीन्स दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है, एक्स वाली, मीन्स एक्स वाली टर्म किसकी होगी, माइनस की। तो जब हम यहाँ इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाली टर्म के साथ हमने माइनस का साइन लेना है, वाई एंड जेड प्लस में रहेगा। क्वेश्चन में अब हमने चेक किया कि जो माइनस 2 था दोनों में कॉमन था, उसकी वजह से माइनस साइन आ रहा था, तो यहाँ पे स्केयर वाली टर्म हम किसकी लेंगे, माइनस की, माइनस √2x का स्केयर।